आज लोग कहते हैं भाई, मैंने सुना कुछ लोग कहते हैं कैसे करके कश्ती निकाल दी 12 साल की, भूमि हड्डी भी सड़ गई, खत्म हो गई, कैसे करके कर। मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई, 16वां पारा ये मौलाना लोग उलमा हजरात बैठे हैं, इनसे पूछो 16वें पारे में सूरह कहफ, उसमें तफसीर में दकियानूस बादशाह का जिक्र है, जिसके खौफ से 7 लोग शहर छोड़ के भाग गए अपने ईमान की हिफाजत के लिए, शहर छोड़ के निकल गए थे, पहाड़ में चले गए और उस बादशाह ने दीवार खिंचवा दिया कि इसी में ये दफन, इसी में ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जमाना गुजरता रहा, काफी अरसे के बाद तकरीबन 350 साल गुजर गए, 350 साल के बाद अल्लाह और रसूल पे ईमान रखने वाला एक बादशाह आया। उसके दौर में इख्तिलाफ हो गया, कुछ लोग क्या कहते थे, अरे मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे, हड्डियां भी सड़ जाएंगी, मरने के बाद जिंदा होने का कोई सवाल नहीं है, हम इस पे ईमान नहीं रखते। तो साफ दो पार्टी, एक ने कहा नहीं, एक ने कहा हाँ, मरने के बाद जिंदा होना है, दूसरे ने कहा नहीं होना है। बादशाह बड़े सो पंजे में पड़ गया, सोचने लगा कि अब इस शहर की खुराफात कैसे खत्म की जाए। उसने रब की बारगाह में सर झुकाया और दुआ की, ए परवरदिगार, ऐसी कोई निशानियां जाहिर फरमा जिससे हमारे शहर की खुराफात खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और 350 साल पहले जो दीवार खींची गई थी ना, वो दीवार गिर गई। अब वो लोग बाहर आए, फजर में गए थे, असर का वक्त था, उन लोगों ने समझा कि फजर में आए थे और असर में उठ गए। बहरहाल ये लंबा वाकया है, मैं ये वाकया बयान करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कुरान पाक में ये जिक्र है कि नहीं है, है ना, जिंदा हुए, हड्डियां सड़ गई थी, तुम्हारे कहने के मुताबिक हड्डियां सड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जिंदा हुए कि नहीं। तो इसी तरीके से था 12 साल की डूबी कश्ती जो निकली, हमारा ईमान है कि सरकार गौसे आदम की जुबान बोल रही थी, लेकिन उसको अल्लाह तबारक व तआला ने किया, उनको जिंदा अल्लाह ने, अल्लाह पर ईमान है कि नहीं है, अल्लाह ने जिंदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला पर तो ईमान है, तो ये मानना पड़ेगा कि जब जिंदा हुआ कश्ती बाहर आई, और अगर यहाँ इनकार है तो हुआ भी इनकार है, हम ईमान लाए। इसलिए हमारा ईमान है और हम इस पर यकीन रखते हैं कि सरकार बड़े वीर ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली, और ऐसी बहुत सारी करामतें हैं जिन पर हमारा ईमान और अकीदा है, जिसको हम मानते हैं और जिसे यकीन रखते हैं। आप दुरूद पाक पढ़िए, अकीदत और मोहब्बत के साथ मैं थोड़ी सी गुफ्तगु और करूं, इसके बाद मैं चाहता हूं कि आज आपको खुसूसी तौर पर जो हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़िबला की तकरीर समाअत फरमानी है, बस इसके बाद चंद मिनट के बाद मौका उनको दिया गया, उनको 10:30 बजे का टाइम दे दिया गया, 10:30 बजे।